जो ऑर्गेनिक आपने उद्घाटन किया है, किस तरह से देखते हैं ऑर्गेनिक? जो कीमतें काफ़ी बड़ी रहती हैं सर इसकी, खास तौर पे जो सामान्य अनाज रहता है, सामान्य सब्जियां रहती है, देखिए कीमतें कब हम आम आदमी के उसमें आएंगी? देखिए, देखो मैंने कहा ना, मांग और पूर्ति के ऊपर, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है भाव बढ़ेंगे, पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो भाव घटेंगे, ये सीधा प्रकृति का नियम है, व्यवसाय का नियम है। इसलिए इसलिए हमने किसान की फसल का उचित मूल्य मिले इसके लिए हमने नीतियों में परिवर्तन किया है। चना, सरसों, मसूर, गेहूँ के पहले आता लेकिन खरीदा बाद में जाता था, ये पहली बार हमने पिछले बार से ही शुरू किया 29 अप्रैल से, इस बार 15 मार्च से खरीदना। एक दिन में 25 क्विंटल खरीदते थे किसान से, जिससे मजबूर होकर किसान मंडी में जाए या मोने पोने भाव पे भेजे, लोग कमाते थे। अब हमने निर्णय लिया जिसके कारण मध्य प्रदेश में इस बार 16,000 करोड़ किसान को ज़्यादा मिलेगा, किसान की आर्थिक सीट बनेगी। मोदी जी का जो सपना है संकल्प 2022 तक किसान की आय दोगुना करने का, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में 21 में पूरा कर। सर आपने कहा हवा पानी और खान पान की चीज़ें शुद्ध हो, लेकिन राजनीति कब शुद्ध होगी? हवा पानी खान पान की चीज़ें तो शुद्ध होना चाहिए, राजनीति कब शुद्ध होगी? राजनीति को भी शुद्ध किया तो सही, 15 महीने में जो अशुद्ध थी उसको शुद्ध किया कि नहीं किया, और जनता ने उसमें मोहर लगाई कि नहीं लगाई? भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वो शुद्धता के लिए है, विकास के लिए, समृद्धि के लिए है, और हम शुद्धता ला रहे हैं, शुचिता ला रहे हैं। सर गेहूँ खरीद को लेके आप, और ये देखो ना, मुट्ठी भर लोग कमाते थे, आप किसान कमा रहे हैं। सर गेहूँ खरीद को लेके क्या आपका लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा होगा? पिछले बार लक्ष्य तो कम था लेकिन हमने ज्यादा खरीदा, क्यों? एक तो लॉकडाउन था, पहली बार हमने ये निर्णय लिया कि हम पहले 1 हेक्टर के किसान को बुलाएंगे, SMS देके, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर, 4, जो छोटा किसान है 86%, जो 5 एकड़ से नीचे है वो मंडी भी नहीं जाता था, आधी कीमत में फड़िया वालों को घर से ही बेच देता था, पहली बार उसका गेहूँ हमने समर्थन मूल्य पे खरीदा, और उसके कारण हमको 1,29,00,000 मेट्रिक टन गेहूँ मिला, और पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया, मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। ये मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत है, प्रदेश सरकार। सर महाराष्ट्र में जिस तरह कमिश्नर, सर इस बार कितना खरीदने का लक्ष्य? इस बार 1,51,00,000 मेट्रिक टन का पंजीयन हो चुका है, और फिर भी हमने तारीख बढ़ाई तो उससे और बढ़ा है, 1,51,00,000 मेट्रिक टन से अधिक गेहूँ खरीदे। महाराष्ट्र में जिस तरह कमिश्नर ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया है 100 करोड़ रुपए वसूल करने का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक पूर्व कमिश्नर अगर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है तो गृह मंत्री को खुद को त्याग पत्र देकर और इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहिए, एक कमेटी बनाकर, जांच में अगर सत्यता है तो दोषी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और गलत है तो जो आरोप लगाने वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका दूध का दूध और पानी का पानी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, और इसलिए तत्काल नैतिकता के आधार पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, सर जो क्योंकि गंभीर आरोप है। सर व्यापम से भर्ती परीक्षा कृषि अधिकारियों की, जिससे बड़े सवाल उठ रहे हैं, और उनको व्यापम क्यों घोटाला नाम दिया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए अब ये देखो, कोई घोटाला नहीं, इसमें एक ही स्थान के एक ही उसके ज़्यादा अंक मिले हैं, और इसलिए शंका तो होती है, और इसलिए हमने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और मैंने स्वयं, मेरे पास तो मैं आया था ना, कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, यहाँ से गए थे मेरे साथ, मैंने बुलाया था, आप लोग गए थे ना मेरे चैम्बर में, ये आए थे, सुनो पूछो कितने लोग गए थे आप? हम लोग 5 लोग। मैंने क्या बोला, कल आइए, मैंने किसको बुलवाया? के सिंह जो चेयरमैन है उनको बुलवाया, इनसे आवेदन दिला के सीधे निर्देश दिए, जाँच करा, उन्होंने भी क्या कहा कि हम इसकी गंभीरता से अंदर ही जांच कर रहे हैं, और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, वो जांच चल रही है, और जांच के अंदर जब तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसलिए इनको आश्वस्त रहना चाहिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 2013 के भी और जिस संस्था थी, एक मिनट, जो संस्था थी जिससे वो ब्लैकलिस्टेड हुई है 2 राज्यों में, उसकी भी जाँच चल रही है, और कहीं भी गड़बड़ी होगी तो बिल्कुल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जैसे व्यापम में पकड़ के कार्रवाई की गई ऐसे इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि हमें क्या चल रही, मैंने पूछा है क्या चल रही, शीघ्र ही मैं क्या कर रहा हूँ, आपको परीक्षा रिजल्ट तो नहीं दिया ना किसी को? नहीं सर, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं जब तक कि स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाएगी। लास्ट सवाल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पटी जींस के बाद में चर्चा में आए थे, अब उनका कहना है कि ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो ज्यादा अनाज मिलेगा। आप तो मध्य प्रदेश की बात करो यार, हमसे पूछो यहाँ के हमने क्या काम किए हैं विकास। आप बड़े नेता इसलिए नहीं, नहीं नहीं, हम तो कार्यकर्ता है छोटे से। देखिए हम किसानों की आय प्रधानमंत्री के 2 गुना करने का जो संकल्प रखा है उसको पूरा करने में देश में हम नंबर 1 स्थान पर आए हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल रहा है, किसानों को लाभ दिलाने में हम नंबर 1 है। दूसरा स्वामित्व योजना, देखिए भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में,
और गांव और शहर मिलकर देश बना, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं और शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसलिए लोग गांव से पलायन करके शहर में आ गए। आज़ाद हुआ था जब 80% गांव में रहते थे, 20% शहर में रहते थे, लेकिन 80% के लिए 20% खर्च करते थे, 20% के लिए 80%, इसलिए शहर विकसित हो गए लेकिन गांव पिछड़ गए। गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री देश के जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को गांव को आज़ादी दिलाई। देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी दिलाई मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को। कल परसों 24 अप्रैल है। अब हमारे प्रधानमंत्री फिर घोषणा कर रहे हैं पूरे देश के गाँव का ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा और मालिकाना हक मिलेगा, उसके कारण गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव का किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और सब्सिडी का फायदा जो मुट्ठी भर लोगों ने उठाकर अरबपति खरबपति बन गए और पूरा देश गरीब है, अब किसान उद्योगपति बनेगा। और एमएसपी क्यों, अभी जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा है, किसान को एमआरपी क्यों नहीं? ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने एमआरपी दिलाने का निर्णय लिया है और इस कानून से और स्वामित्व योजना से किसान एमआरपी पे बेचेगा। मैं आलू पैदा करता हूँ 2 रुपए किलो में, क्या चल रही? शीघ्र ही मैं क्या करूँ आपको, परीक्षा रिजल्ट तो नहीं दिया ना किसी को, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं जब तक की स्पष्ट स्थिति नहीं हो जाएगी। लास्ट सवाल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पटी जींस के बाद में चर्चा में आए थे, अब उनका कहना है कि ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो ज्यादा अनाज मिलेगा। आप तो मध्य प्रदेश की बात करो यार, हमसे पूछो यहाँ के हमने क्या काम किए विकास। आप बड़े नेता इसलिए नहीं, हम तो कार्यकर्ता है छोटे से। देखिए हम किसानों की आय प्रधानमंत्री के 2 गुना करने का जो संकल्प रखा है उसको पूरा करने में देश में नंबर 1 स्थान पर आए। कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल रहा है, किसानों को लाभ दिलाने में हम नंबर 1 है। दूसरा स्वामित्व योजना, देखिए भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो गांव और शहर मिलकर देश बना, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं और शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसलिए लोग गांव से पलायन करके शहर में आ गए। आज़ाद हुआ था जब 80% गांव में रहते थे, 20% शहर में रहते थे, लेकिन 80% के लिए 20% खर्च करते थे, 20% के लिए 80%, इसलिए शहर विकसित हो गए लेकिन गांव पिछड़ गए। गांव वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री देश के जिन्होंने 24 अप्रैल 2020 को गांव को आज़ादी दिलाई। देश तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गांव को आर्थिक आज़ादी दिलाई मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को। कल परसों 24 अप्रैल है। अब हमारे प्रधानमंत्री फिर घोषणा कर रहे हैं पूरे देश के गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे होगा और मालिकाना हक मिलेगा, उसके कारण गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब गांव का किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और सब्सिडी का फायदा जो मुट्ठी भर लोगों ने उठाकर अरबपति खरबपति बन गए और पूरा देश गरीब है, अब किसान उद्योगपति बनेगा। और एमएसपी क्यों, अभी जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहा है, किसान को एमआरपी क्यों नहीं? ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने एमआरपी दिलाने का निर्णय लिया है और इस कानून से और स्वामित्व योजना से अब किसान एमआरपी पे बेचेगा। मैं आलू पैदा करता हूँ 2 रुपए किलो में, स्कूल शिक्षा में भी कृषि पढ़ाई जाएगी ताकि अच्छे किसान निकले सामने, किस तरह की योजना है? जिस प्रकार विभाग में जैसे आप कह रहे थे ना साइंस बायोलॉजी भी है, तो ऐसे कृषि का विभाग पढ़ाई होगी ताकि हमारे गाँव के बच्चों को और खेती के उसमें रहे और इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, 2 हाथ को काम देना है, तो खेती ही ये क्षेत्र है जो दे सकता है। थैंक यू। थैंक यू।